द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शेखर गोमानी साहब ने जो बयान दिया उसको तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया गया, बल्कि वो अपनी कंप्लेंट में, अपनी कंप्लेंट अर्जी में कह रहा है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया कि हथियार फैलाए गए हैं और मुल्क में ऐसा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा सजाद नुमानी साहब ने कहा है, इससे लोगों को उकसाया गया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी सरकार है वो सरकार बम ब्लास्ट करने वालों की सरकार, वो क्या दूसरों को सब मुल्क में एक ही जगह बम ब्लास्ट हुए हैं और एक भी बम ब्लास्ट मुसलमान या गैर मुसलमानों ने नहीं किया है। वो सारे के सारे बम ब्लास्ट स्वामी वो जो था असीमानंद, उसने खुद कन्फेशन दिया, यानी खुद कबूल किया कि मोहन भागवत के कहने पर उसने एक ही जगह बम ब्लास्ट किए। अब जो खुद कबूल कर रहा है बम ब्लास्ट किए और वो बम ब्लास्ट करने वाला बाहर है, और जो मुल्क को बचा रहे हैं उनके ऊपर ताने लगाए जा रहे हैं। ये जो मोहन भागवत है इसने कई लोगों को काम पर लगाए, उनके नाम हमारे पास 50-60 लोगों की लिस्ट है ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के और कानूनी दस्तावेज के आधार पर, नाम के आधार पर अगर गिना जाए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद रोहित ब्राह्मण है, यहूदी है, आप जिसे यहूदी कहते हो ब्राह्मण है, इंडिया में ब्राह्मण है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दो शब्द को छोड़कर बोलो यहूदी ब्राह्मण, जल्दी समझ में आ जाता है। अरे थोड़ा सा क्लियर समझ में आने के लिए मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा, थोड़ा जोड़कर बताऊंगी, यहूदी ब्राह्मण है, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ब्राह्मण। 15 साल में मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तम होता है और वो इस साल औरंगाबाद में हुआ, और जिसने अलग अलग जगह बम ब्लास्ट किए प्रज्ञा ठाकुर और उनका दीन है, और वहाँ जाकर बच्चे पैदा करना चाहिए ऐसा बयान है। साथ भी अरे जान बुझ कर जो आतंकवादी थे उसको वहाँ भेजा गया, जान बुझ कर रिएक्शन करने के लिए बयान देने को कहा गया, वो भी बम ब्लास्ट में शामिल है। रमेश उपाध्याय उत्तर प्रदेश का यहूदी ब्राह्मण, उसको तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी थी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने बम ब्लास्ट किए, किसे कहा जा सकता है राष्ट्रद्रोही? राष्ट्रद्रोही होने का क्या मायना है? फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग हुई, उस गुप्त मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और उनके सभी लोग जो देश में पूरे मुल्क में बम ब्लास्ट करने में शामिल थे वो सारे वहां मौजूद थे, और वो भी इतना चलाक आदमी था मिलिट्री मैन कि वो हर मीटिंग का वीडियो शूटिंग बनाता था और अपने लैपटॉप में उसको स्टोर करता था। करकरे ने जब मालेगांव बम ब्लास्ट का चार्जशीट दाखिल, MNTV के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मुंबई में है और मुंबई के आजाद मैदान पर सज्जाद नोमानी साहब के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। पॉपुलर फ्रंट के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस लिए ये धरना प्रदर्शन जो है, किस लिए ये आंदोलन हो रहा है। आपका नाम सर? मेरा नाम शेख माजिद है, मैं रहने वाला औरंगाबाद से हूँ, नोमानी साहब के साथ में रहता हूँ। अच्छा, क्या बात है कि किस लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? यहाँ पे 2014 के इलेक्शन से पहले हम लोग जानते हैं हमारे सामने कैसे वादे किए गए थे अच्छे, लेकिन 2014 का इलेक्शन हुआ उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमारे खाने पीने पर पाबंदी है, उठने बैठने पर पाबंदी है, इवन बाबा साहब ने जो अम्बेडकर ने हमें आज़ादी के साथ में रहने का यहाँ पे अधिकार दिया था, हमें हक दिया था, अब हमसे भी छीन लिया जा रहा है कि हम जिससे चाहे शादी करें, जब चाहे हम शादी पहले आज़ादी सब कुछ छीन लिया जा रहा है। ये आंदोलन जो अभी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? इसी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। तो इस जो मौजूदा हालात है भारत की, वो मौजूदा हालात में
कोई बंदा था इस वहाँ सज्जाद साहब नौमानी और मेश्राम साहब, ये लोग हक पसंदी की आवाज़ उठा रहे थे। ये असल यहाँ पर जो कांग्रेस बीजेपी ऐसी के असल मुद्दा ये नहीं है, असल मुद्दा है कि मजलूमों के इत्तेहाद किस तरह हो जाए, और भारत के मौजूदा हालात जो है इसके अंदर सुधार उसी वक्त आ सकता है कि पूरे मजलूम तबके के साथ मिल जाए। पहले हम लोग पूरे भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, हिंदू कहते थे वर्सेस मुसलमान कहते थे, तो इस बात को हकीकत तो समझ गए सज्जाद साहब नौमानी मेश्राम साहब, उन्होंने हमें हकीकत समझा दी। जब ये हक बात इन लोगों को समझ में आ गई और वो समझ गए इस वक्त सबसे ज़्यादा अधिक नुकसानदेह कोई साबित हो सकता है पूरे भारत में वहाँ सज्जाद साहब नौमानी है और मेश्राम साहब हैं, तो किसी तरह उन्होंने अटैक कर दिया वहाँ सज्जाद साहब नौमानी पर। पहले जानलेव हमले भी हुए, उन्हें जहर देने की कोशिश की जाती थी, और आज तक हम लोग देख ले गया FIR फर्जी एक FIR दर्ज करवाया गया। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग हमारे इतने बड़े लीडर को बेआरा मददगार नहीं छोड़ेंगे, हम हर दम उनके साथ में, अगर वो जेल जाते हम लोग इनके साथ जेल में रहेंगे। हम आज अगर हमारी बात मान ली जाती है, रिजवी ने जो FIR दाखिल किया है उसमें उन्होंने कहा कि नौमानी साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है, तो क्या ये कितना सही है? देखिए नौमानी साहब ने जो बात बताई थी, ये मैं नौजवान मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी हूँ, मेरे पास में जो कुछ बताए थे पूरे दलाल मौजूद है, हम लोग कितने मैगजीन्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जो बात उन्होंने बताई बिल्कुल सही बताई थी, कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं ना वो। और अगर इस बात से और उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, FIR दर्ज करवाया जा सकता है, तो बीजेपी और इस तरह से कितने जो यहाँ पे बेअमनामी फैला रही, गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुँचा रहे, उनके ढेर सारे बयान थे, वो तो अब तक जेल के बिल्कुल अंधे सलाखों में होना चाहिए था। इतनी मामूली बात पर नौमानी साहब को उन पर FIR दर्ज करवा देंगे, ये कोई बात ऐसे लगता है कि हमारे ये इस आंदोलन के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लिए हो रहा है? हम लोग इस आंदोलन के तहत ये कहना चाहेंगे कि नौमानी साहब को आज ही FIR दर्ज वापस ली जाए, और जो लोग उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उन पर FIR दर्ज करवाई जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। और इसके अलावा श्री श्री रविशंकर ने भी कुछ एक धमकी भरा बयान दिया था, तो वो तो यही असल बात समझ में नहीं आ रही। हम लोग आज़ाद भारत में रहने का ऐलान भी कर रहे हैं, और वो ये कह रहा है कि हमारा आज़ाद भारत नहीं रहने वाला है, फौरन ही सीरिया बन जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ जिंदा रहने के लायक नहीं, लाखों लोग कट जाएंगे, मर जाएंगे। असल तो बेअमनामन ये फैला रहा है, गंगा जमुनी तहजीब को ये नुकसान पहुँचा रहा है, तो इसी वक्त अगर उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था। ये आप तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता और नौमानी साहब के करीबी हो, और कोई है मतलब जो इस आंदोलन के साथ, मतलब आपके साथ इस आंदोलन में शरीक है, भारत मुक्ति मोर्चा का कोई? सब ही यहाँ पर नौमानी साहब के साथ में, विश्राम साहब के साथ में है। मुसलमानों को आपकी मर्जी के बगैर, आप तो कैसी कभी भी RSS बीजेपी के मीटिंग को नहीं जा सकते, आपकी औरतें कावड़ उठाएगी, तो हम लोगों को ये अवसर आया है हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ऊपर जो झूठा FIR दर्ज हुआ, इस मामले को हमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर उठाना है तो हमें इस व्यवस्था को नंगा करना होगा, इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना होगा, इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो हम लोग इस आंदोलन को व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन मानकर इसको पूरे मुल्क में चलाना है। अब तो बात हो चुका, बहुत हो चुका कि तुम लोग राष्ट्रद्रोही कर दिया, अरे मुसलमानों की। ये जो आंदोलन यहाँ पर हो रहा है इसमें भारत मुक्ति मोर्चा भी सक्रिय रूप से सहभागी है, हालांकि भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर यह आंदोलन किया है, और ये आंदोलन बोला जा रहा है कि पूरे देश भर में हो रहा है। हमारे साथ भारत मुक्ति मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष माननीय विशाल ढिवरे जी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन किस लिए हो रहा है। धन्यवाद, मेरा नाम विशाल ढिवरे है, और हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी जी जो हमारे संगठन के माध्यम से या उनका जो खुद का संगठन है या जो भी है, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा और जो भी समविचारी संगठन है उनके माध्यम से वो हमारे साथ में बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात है, केवल अच्छे ताल्लुकात ही नहीं तो सामाजिक जो इत्तेहाद की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इस भारत देश में, उसके वो हमारे साथी है। वो केवल एक मौलाना के तौर पर हम उनको नहीं मानते, तो ये हम इस देश में सामाजिक इत्तेहाद की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक मसावात की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके हमारे साथी है, और वो पूरे भारत के जो बड़े नेता है उनमें से हमारे एक नेता हम उनको मानते हैं, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है
माननीय वामन मेश्राम साहब, तो उनके लेवल का उनको नेता हम मानते हैं, और उनके ऊपर जो बेबुनियाद आरोप हो रहे हैं, उनको ऊपर राष्ट्रद्रोह के जो आरोप हो रहे हैं, उनको राष्ट्रद्रोही जो करार दिया जा रहा है, या उनके ऊपर जो FIR हुए हैं, उनके प्रोटेस्ट में उनका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन पॉपुलर फ्रंट के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइंट हम लोग धरना प्रदर्शन ले रहे हैं। आपने कहा कि वो जो आरोप नोमाने साहब पर लगे वो फर्जी है, बेबुनियाद है, किस आधार पर कहते हैं? हम लोग हमारा जो ये संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, लगभग हमारा जो पहला ऑफशूट हमारा जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है BAMSEP, उसका लगभग 40 साल का तजुर्बा है। वो सामाजिक तौर पर देश भर में काम कर रहा है, 6,500 भारत की जातियों में काम कर रहा है, और जो माइनॉरिटीज़ के जो है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, लिंगायत है, क्रिश्चन है, इनमें भी वो काम कर रहा है। ये धार्मिक सामाजिक ध्रुवीकरण का भी काम कर रहा है, और जाति ध्रुवीकरण का भी सामाजिक लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हमें हर जगह पर अलग अलग समाज के हर एक जाति के हर एक धर्म के लोग मिलते हैं, और जब वो लोग मिलते हैं तो उनका एक समाज में एक वर्चस्व होता है, या उनका एक समाज में एक छाप होती है, उनको समाज में एक रिस्पेक्ट होता है। वो जो रिस्पेक्ट होती है वो रियल रिस्पेक्ट होती है समाज में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आईने में सिर्फ चरित्र दिखता है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि समाज में चरित्र दिखता है। और माननीय मौलाना सज्जद नोमानी साहब का जो मुस्लिम समाज में चरित्र है वो आईने की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है। और ऐसे साफ और चरित्र के आदमी के ऊपर हम लोग लगभग 2006 और 7 से उनके साथ में उनके हमारे साथ ताल्लुकात है, और हमारे बहुत सारे कन्वेंशन में वो आते हैं, ज्वाइन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग एक काम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज़ में मुन्नोमानी साहब काम कर रहे हैं। और ये सारी जो उनका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड को देखते हुए मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये केवल मेरी राय नहीं है, तो ये भारत में जितने भी सोशल काम करने वाले लोग हैं वो सोशल काम करने वाले लोगों का ये मत है। और जो जितना उनका संगठन है, जिस तरह से वो हमारे कार्यक्रमों में इस उम्र में भी शिरकत करते हैं, तो उस पर से हमको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, सारे आरोप बेबुनियाद। श्री श्री रविशंकर ने जो बयान दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी श्री श्री रविशंकर जी ने जो भी बयान दिया है, ब्राह्मणों का ये चरित्र रहा है कि वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। ब्राह्मणों का ये पहले से चरित्र रहा हुआ है। आप देखोगे तो लगभग भारत में जितने बॉम्ब ब्लास्ट किए वो सारे ब्राह्मणों ने किए हुए हैं। और रवि श्री श्री रविशंकर भी जो है उनके भी ऊपर जो आरोप है वो कोई कम नहीं है, वो भी संगीन आरोप है। उन्होंने जो भी जितने भी कांड किए हुए हैं, या जितने भी उनकी घटना है, उनका जो संगठन चलता है आर्ट ऑफ लिविंग, उसके माध्यम से भी वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ये जो प्रसाद पुरोहित का जिसमें नाम था आतंकवादी समझौता एक्सप्रेस में, उसी वक्त श्री श्री रविशंकर का भी नाम आ चुका है। इसके लिए रविशंकर को कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसके ऊपर आरोप लगाने का। और श्री श्री रविशंकर जी ने बीच में ऐसा कुछ कहा था कि इस भारत के मुसलमानों को राम मंदिर के माध्यम से साथ देना चाहिए, नहीं तो इस देश को सीरिया हो जाएगा। तो हम ऐसा श्री श्री रविशंकर जी को कहना चाहते हैं कि वो उनके बारे में और उनको जो ब्राह्मण जाति है उनके बारे में देखे, भारत के मुसलमान और जो भी है वो इस भारत के संविधान को मानते हैं, और इस संविधान को बचाने के लिए जो जायज और जो मुमकिन कोशिश है वो हम लोग करेंगे। आपकी मांग है कि नोमानी साहब पर लगा हुआ जो फर्जी FIR है वो पीछे लिया जाए, और वसीम रिजवी इस पर फर्जी FIR डालने के लिए केस किया जाए या कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मान लो ये आंदोलन होने के बाद भी अगर वो नहीं होता है, फर्जी FIR पीछे नहीं लिया जाता, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये आंदोलन केवल अभी धरना प्रदर्शन तक सीमित है। अगर ऐसा नहीं होता, आपने कहा कि ऐसा नहीं होता, अगर वो पीछे नहीं लिया जाता, तो हम लोग आपके जो ये चैनल है इसके माध्यम से पूरे भारत के देशवासियों को, अभी तक तो ये पूरे भारत में हम लोग संविधान के माध्यम से जो कानूनी तौर पर जैसे धरना ले रहे, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए है धरना प्रदर्शन करने का, अपना अधिकार व्यक्त करने का, वो कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये आरोप पीछे नहीं लिए गए तो हम लोग उग्र स्वरूप का आंदोलन करेंगे, रास्ते पर उतरेंगे, और रास्ते पर उतर कर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसका प्रोटेस्ट करने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे, ये पूरे भारत भर में करेंगे हम लोग। धन्यवाद विशाल ढिवरे, भारत मुक्ति मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष हैं।
ये आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। नोमानी साहब के समर्थन में हजारों की तादाद में लोग हर जिले में आज के तारीख में उतर रहे हैं। हम मुंबई में है, मुंबई में राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी प्राध्यापक विलास खरात और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी राज्य स्तर के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। बने रहे MNTV के साथ। अब तक के लिए इतना ही।